व्हाट्सएप ने कठित फैसला करते हुए इस साल मार्च महीने में तकरीबन 18 लाख से ज्यादा अकाउंट्स पर बैन लगा दिया है। आपको बताते चले कि आईटी रूल्स 2021 के अनुसार व्हाट्सएप ने अपनी 10वीं यूजर सेल्फी मंथली रिपोर्ट्स रिलीज की है। कंपनी ने भारतीय कानूनों या व्हाट्सएप की सेवा की शर्तों का उल्लंघन करने पर कुछ अकाउंट पर कार्रवाई की है। अपनी रिपोर्ट में व्हाट्सएप ने इस कार्रवाई के बारे में बताया है। रिपोर्ट से पता चलता है कि मार्च महीने में यूजर्स ने कुल 597 शिकायतें व्हाट्सएप को भेजी। इसमें से 112 शिकायतें अकाउंटिंग रिपोर्ट से जुड़ी थी। 407 शिकायतों के जरिए अकाउंट बैन की अपील की गई थी। 37 शिकायतें प्रोडक्ट सपोर्ट और 13 सेफ्टी से संबंधित थी। 28 शिकायतें अन्य सपोर्ट के बारे में थी। इसमें से 74 रिक्वेस्ट पर एक्शन लिया गया। ये सभी बैंक से संबंधित थे। यहाँ एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि एक्शन का मतलब है कि किसी अकाउंट पर बैन लगाना या बैन किए गए अकाउंट को बहाल करना। फिलहाल व्हाट्सएप की तरफ से कहा गया है कि हमने आईटी नियम 2021 के अनुसार मार्च महीने के लिए अपनी रिपोर्ट पब्लिक की है। व्हाट्सएप ने फरवरी में 14 लाख से ज़्यादा भारतीय अकाउंट पर बैन लगा दिया था।